करम, उसका फजल, उसकी रहमतें हैं कि हम जैसे नादान आदमी सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह सुभान व तआला इस कदर बड़ा इनाम हमें अता फरमा सकते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि इससे पहले भी हमने बड़े अच्छे अच्छे अमाल किए हैं और उसके साथ मजीद नूर और नूर यह है कि हम उसके घर के अंदर ही मेहमान हैं अभी तक अल्लाह के, जब तक अल्लाह चाहे। किसी क्या बड़े इंसान का मेहमान होना और फिर पूरी इजाज़त दे के जब चाहे तुम रह सकते हो जब तक चाहे रहो, इससे बड़ी और खुशकस्मती क्या हो सकती है कि अल्लाह के घर में हमें अल्लाह ने इजाज़त दे दी कि जाओ बैठ जाओ जब तक तुम बैठ सकते हो। किसी बड़े के घर में जाएं खाली थोड़ी बैठने देगा आपको, कभी चाय आएगी, कभी कॉफ़ी आएगी, कभी स्वीट आएगी, कभी ड्राई फ्रूट्स आएंगे, क्योंकि भाई बड़े आदमी के इनको सर्व करते रहे। तो अल्लाह से बड़ा कौन है जिसका मेहमान अल्लाह हो, अल्लाह का फ़र्क यही है। क्योंकि हम तो जिस किसी जिस्मानी इंसान के मेहमान होते हैं तो जिस्म की ग़ज़ाएँ आती हैं, तो जब अल्लाह के मेहमान होते हैं तो रूहानी ग़ज़ाएँ आती हैं। बस फ़र्क कितना है, खाने वाले मज़े ले रहे हैं जिनकी ज़बानें माशाल्लाह साफ और शफाफ हैं, मुँह की नहीं दिल की ज़बान है, तुमको तो बड़ा टेस्ट आ रहा होगा सुबहानअल्लाह, क्या अल्लाह ने आज हमें डिश दी है इस वक्त, कुछ लुत्फ आ रहा होगा, मज़े ले रहे होंगे इस वक्त माशाल्लाह। मैंने इतना बड़ा लंबा चौड़ा अहमियत बांधी और अल्लाह का शुक्र किया है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक ने एक अजीब व गरीब महीने के अंदर हमें, उस महीने की इब्तदा जो है शब जुम्मा, उसकी पहली शब जुम्मा है, उसमें अल्लाह ताला अपने घर में बिठा कर जिक्र की तौफीक दे रहे हैं। ये था इतना बड़ा इनाम अल्लाह ताला का जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया। ये रजब सोच सकते कितना बड़ा महीना है माशाल्लाह, ये वो महीना है कि अल्लाह पाक ने खुद चुना है इसको, और चुना ही नहीं बल्कि टाइटल दिया है इसको, और इस पूरे 12 महीनों में लन 4 महीनों को पसंद फरमाया है और फरमाया कि ये मेरे हुरमत वाले महीने हैं। अल्लाह की तो हर चीज़ में चाहिए, एक उसमें सिलेक्शन अल्लाह ने रखा है 4 महीनों का,
ये पोज हिम्मत कहते हैं ताजीम वाले, रिस्पेक्ट वाले, इज्जत वाले। और जिसके अल्लाह कहे कि मैं ताजीम वाले महीने, तो उसकी कितनी इज्जत एहतराम होगा, तो उस महीने की इब्तदा क्या होगी, कितना नूर होगा उसमें, क्या कुछ होगा अल्लाह। आप सोच तो उसकी इब्तदा अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे इंसानों से अल्लाह ताला करवा रहे हैं, और बिठा दिया, बुला लिया, बिठा दिया, बुला लिया, सुभान अल्लाह। वस्तु को तो पता भी नहीं होगा हम जाएंगे, लेकिन जब ये इनाम सुने तो जाने के बाद दो रकात नमाज शुक्राने के जरूर पढ़ लें कि अल्लाह मैं तो नहीं आ रहा था, ये मुझे क्या पता। तो ऐसी भी हमें झोलियाँ भर देता है इंसानों की, सुभान अल्लाह। और क्या चीज़, ग्रेट चीज़ क्या थी जो अल्लाह ताला इनाम दे रहे हैं, इसका वजह क्या थी, वजह उसकी जिक्र अल्लाह। अगर हम जिक्र करने वाले ना होते तो हम कहाँ बैठे होते, बैठे यहाँ इस वक्त वही हैं जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, सुभान अल्लाह। ये तो जिक्र की बरकत है, हम तो हुए जिक्र के लिए जमा अपने यूजुअल टाइम पर, एक वक्त पर, एक दिन पर, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे इंसानों को महरूम थोड़ी करता है। इस जिक्र की बरकत से अल्लाह ताला अजीब व गरीब इनामात देते हैं इंसानों को। देख लें आप, वही हैं जो जिक्र करने वाले लोग हैं, जो जिक्र की नींद से आए हैं, जो जिक्र के लिए पहुँचे हैं, मकसद जिक्र है उनका, उन्हीं की इनाम मिल रहा है, खर्च को कुछ नहीं मिलना। आप सोच रहे तो बरकत किसकी है कि ऐसी ऐसी रातें अल्लाह ताला में अता फरमा देता है, तो जिक्र की बरकत है, कोई कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। ये तो अल्लाह के नबी ने ऐलान किया है, हदीस का मफहूम है बड़ा अच्छा, रज़ाइल मालूम हदीस है, पढ़ते हैं दिन रात। रसमान तरफ फरमाते हैं नबी इशात फरमा रहे हदीस कि अल्लाह फरमाता है कि जो मेरी तरफ मेरे नाम से मेरी तरफ मुतवजह हो जाए, अल्लाह का मुतवजह इंसान कैसे होता है, मैं आपकी तरफ तवज्जा कैसे करूँगा, वो फलाने बात सुन नाम लूँगा ना, भाई साहब मेरी बात सुने, आप मेरे करीब तशरीफ लाएं, ऐसे होता है ना। तो अल्लाह ताला कहता है मेरे तरफ बंदा मुतवज्जह होता है किससे, जब अल्लाह कहता है, वो भी अल्लाह ने इजाज़त दी गई, मेरा पर्सनल नाम तुम ले सकते हो, सफाती नाम उसको नहीं कहता, नहीं पर्सनल लो मेरा नाम, सफात से ना पुकारो, मेरे मुझे टाइटल की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं अल्लाह हूँ, मुझे अल्लाह ही कहो। नहीं, कितनी बड़ी बात है, मैं अल्लाह हूँ, मुझे अल्लाह ही कहो। तो अल्लाह को इतना प्यारा नाम जो अल्लाह ने खुद रखा है, ये नाम अपना खुद पसंद फरमाया है, अल्लाह अकबर, खुद रखा है, खुद पसंद फरमाया है, और खुद कुरान पर नाजिल फरमाया है, और ख़ास मखलूक को सिखाया है, और अपने गैब के ख़जानों में इसको पोशीदा रखा है। ये हदीस है, इस नाम की तारीफ फरमाते हैं अल्लाह ताला, उसकी इजाज़त हमें दे रहे कि एक दफ़ा नहीं दिन रात देते रहो मेरा नाम की जब, ये अल्लाह का नाम, तो इस नाम के पीछे कुछ नहीं देता वो अल्लाह ताला, नाम हम उसका लें तो खाली छोड़ता, वो क्या कुछ देता। तो अल्लाह कहता है कि जो शख्स मेरी तरफ मुतवज्जा होता है तो फिर क्या मैं छोड़ता हूँ उसको, नहीं तो वो मुतवज्जा होता है तो फिर मैं उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाता हूँ, और बहुत तेजी से मुतवज्जा होता हूँ। और इसके बाद फिर आगे क्या है कि कोई जो चाहता है मेरी तरफ मुतवज्जा होना तो उसका रास्ता ये है, तुम मुझे मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाओ, शौक किसी को कि अल्लाह मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाए। और फिर मफ़हूम हदीस का देखें, जो अल्लाह मुतवज्जा होता है तो अपनी रहमतों के, बरकतों के, फजल के दरवाजे खोल देता है उस शख्स की तरफ। ये देखो फटा कपड़ा पहना है तो कहते जी दरवाजे खोल गए, सुभान अल्लाह, अश्काल जाते हैं दिमाग में, दस जी बैठे चटाई दे तो कहते दरवाजे खोल गए मेरे रहमतों के, बरकतों। ये भी कोई बात है, कच्चा मटका रखा है पानी बिचा गया है, वहाँ रहमत तो दरवाजे वहाँ खोले हैं, देखो जिसके माशाल्लाह खाने के दस्तरखान बिछे हुए हैं, लोग खड़े हैं, और जनाब जिन्होंने माशाल्लाह हाथों में मसरूफ पकड़े हुए हैं, जिसको देखो अल्लाह ताला कहते हैं मैं तो मुतवज्जो, मैं रहमतों के दरवाजे खेल लेता हूँ। ये कौन डालता है ऐसे शिकार, शैतान टैक्स हमारी से, देखो ये भी कोई बात है, सुभान अल्लाह।
आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे, कोरे दुहित को क्या है नजर क्या देखे, कि जो है ही देख नहीं सकता वो बेचारा क्या देख सकता है। तो किसी नजर वाले से पूछें कि क्या कुछ उसके पास मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह क्या कुछ उसके पास मौजूद है, अल्लाह ताला क्या कुछ उसको देता है, क्या देता है अल्लाह होगा, उस चटाई पे सूखी रोटी के साथ, दही की रोटी के साथ मिलता गया उसको, कि एक अल्लाह की तजल्ली जो पड़ती है वही सब कुछ उसका हो जाता है। एक तजल्ली जो उसके दिल पे अल्लाह डालता है अपनी मोहब्बत की, सारी दुनिया बेकार कर देती है उसकी, वो हीच हो जाती है, वो इतनी हीच हो जाती है यानी डाउन हो जाती है, नापसंद हो जाती है, कि कोई उसके सामने सल्तनत पेश करे अगर, अब्दुल कादिर जिलानी की बात चाहते वक्त है वक्त था, उसने नौ रोज एक सल्तनत की जगह थी ईरान के अंदर, नौ रोज कहते मैं बादशाह था बड़ा, तो मैं आपसे बहुत खुश हूँ, बहुत बड़े फकीर अल्लाह वाले हैं, कि पूरी नौ रोज की मैं स्टेट आपको देता हूँ, लिख के भेजा, तो मैं उसके कागज पर नीचे लिख के जिसको इंशाल्लाह नीम शब की मुल्क जो मुल्क मिल चुका हो तो उसको नौ रोज की स्मृत क्या है, यानी क्या कि जिसको रात की जागने की अल्लाह ने तौफीक दे दी हो अपने दरबार में खड़ा करके, उसको नौ रोज की इस दिन की जरूरत क्या है जो तू मुझे देता है, नौ रोज को दिन भी कहते हैं वापस करते हैं, कहते हैं मेरे पास तो इससे बड़ी सल्तनत है, वो क्या सल्तनत है कि मैं होता हूँ मेरा रब होता है और रात की तन्हाई होती है, और मेरे सीने में जो अल्लाह ने कुरान उतारा है, हाफिज तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, अल्लाह ने कुरान की हिफाजत करने की तौफीक नसीब फरमाए, शैतान सब कुछ उचक लेता है इंसान से, सीने से कुरान भी निकाल देता है और फिर कुरान की जगह वसवसे और शैतानियत और बुरी चीज़ें पैदा करते हैं, क्योंकि कुरान जो निकला है अच्छी चीज़ वो ले जाता है और कुरान डाल देता है। अल्लाह से दुआ क्या करें, अल्लाह ताला तुमने कुरान की नियमत से नवाजा है, तो इस कुरान की हिफाजत का भी हमारा बंदोबस्त फरमा दे, अल्लाह से मांगे इंशाअल्लाह ताला देता है, इतनी हिफाजत हमारे कुरान की फरमा दे कि कब्र तक ये कुरान जाए, और जैसे कुरान की शान है सुबहानअल्लाह, ये कब्र के अंदर जाके क्या मुंस बन जाए, हमारा गमखार बन जाए, हमारे सवालों को आसान कर दे, चारों तरफ से उसका नूर हमें घेर ले और कब्र का कोई अजाब हम पे ना हो दे। भाई बहुत बड़ी चीज़ है ना, हमसे पूछो हमें तो नहीं याद कुरान, कुरान जब याद हो जाए तो उसको ज़ाहिर नहीं करना चाहिए, अल्लाह कोई भी नेमत दे दे वो शैतान तो दौलत छीनता है ना इंसान से। तो ये मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि वो अल्लाह वालों के पास में जो चीज़ें होती हैं वो तो फिर एक झलक, आजम से किसी ने कहा ना कि भाई तूने बादशाह छोड़ दी, अजीब आदमी है, मैं बैठे फटे कपड़े के साथ और हाथ में दे सुई और खुद फटी अपनी जुराब में सी रहा है, कमीज सी रहा है बैठ कर, मैं तो जानता हूँ तू तो बादशाह था, इतने बड़े सल्तनत तेरे पास, जहाँ वापस से आपने सल्तनत क्यों बेवकूफ़ बना रहे, अक्ल करी, इतनी बड़ी लौंडी थी, कैसी कैसी खूबसूरत औरतें थीं, शराबें चलती थीं, कबाब बनते थे और तेरे तो महफिलें जनती थीं, तू क्या इस चक्कर में पड़ गया, फटे पुराने कपड़े पहन के सब कुछ बैठ जाता है, यार तरक्की है कोई, इसका नाम तरक्की है, जाओ तरक्की ज़्यादा मुल्क में जा, उसमें क्या कुछ मिलता है, वो हंस पड़े मुस्कराए, जिस सुई से सी रहे थे ना उन्होंने पानी में फेंक दिया सुई, कहते ये सुई ला सकते हैं, कहते ये सुई सुई की ताकत इसकी क्या, वैसे थे दरिया में पता कहाँ गई होगी, कहते मैं मंगाऊँ, आप कैसे मंगाएंगे, कहते मैं बादशाह हूँ, उस वक्त तेरे जैसे बेवकूफ़ों का बादशाह था कि जो मेरी बात नहीं मानते थे, आज मैं अल्लाह की मखलूक का बादशाह थोड़ा सा आदमी अपने यकीन को पक्का कर लेना, सब कुछ देते थे, कहते वो कैसे, तो तू तो नहीं ला सकता, मैं तुझे घर सुई ला, तू कैसे मेरी राय, तो देख अब मैं कैसा बादशाह, कहते वो मछली हो मेरे सुई गई है, जल्दी से जो मेरी सुई है वापस लेकर आओ, सुबह सब मछली जनाब देखे तो सुई में मिली आई, कहता ये मेरी मछली, ये तो मेरी सुई नहीं है, ये तो सोने की किसी किसी की, वो सुई लेकर आओ जो मेरी सुई है। आखिर कोई एक मछली की आई उसमें उसको बैठा मुंह में दबा लिया, एक किस्सा नहीं मैं सुना रहा, आप किताबों में लिखी हुई चीज़ें हैं, लिखी जो हजार में उनकी बातें आप किताबों हदीस और कुरान
और सुलह सालीन की बातें हैं भाई, मैं अपनी जेब से कोई नहीं निकालता। तो ये है कि अल्लाह ताला को इतना ऊंचा कर देते हैं, अल्लाह ताला इतना ऊंचा कर देते हैं कि फिर वो मोहताज नहीं। दिल से है ना सारी चीज़ें, लालजी दिल में आता है, हर चीज़ दिल में आता है। तो जब दिल अल्लाह को हो जाते तो सब चीज़ें भी उसके को पसंद ही किसी नहीं आती, वो दिल ही दे दिया तो हर चीज़ उसी की हो जाती फिर। बोले सुभान मज़ा नहीं आया, फिर क्या अल्लाह की तारीफ होनी चाहिए। अल्लाह खुश हो गए, अच्छी जमात बैठी, आज रजब का महीना शुरू हो रहा है और कितनी प्यार से मेरे रजब को शुरू कर रहे हैं लोग। देखा जो से प्यार करते हैं उसकी चीजें प्यारे को प्यार तरीके से पेश करते हैं अल्लाह। भाई मुझे तो मस्ती चढ़ी आज रजब की माशाल्लाह। इसलिए मैंने यही मजमून जहन में आया, तो मैं जो मेरे दिल में आता जाएगा आपको टूटा फूटा बताता जाऊँगा। ना पसंद आए तो उसकी माफ़ी पहले मांग लेता हूँ, नाराज ना हो माफ़ कर दे मुझे बस। तो क्या शान इस महीने की आप देखें। अच्छा देखें कितना बड़ा महीना है ये, जिसके आप खुद देख लें कि अल्लाह उसकी पसंद फरमा रहे हैं, हुरमत वाला रिस्पेक्ट वाला महीना कह रहे हैं। और नूर नूर टॉप ऑफ दैट क्या किया कि इस महीने के अंदर कोई अमल नहीं है, ये नमाज पढ़ो, ये रोज़ा रखो, फलां करो, कुछ भी नहीं है। फारिग बिल्कुल साफ है महीना, कोई है चीज़ ऐसी नहीं। आप लोगों ने मना ली होगी तो पत्ते मना लें, लेकिन हदीस से कोई चीज़ साबित नहीं है कि ये रोज़ा रख लो जी, ये फलां कर लो। बहुत आएंगे इसमें चीज़ें बड़ी हैं रजब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वजह बताता हूँ क्या है, क्यों बना रहे बरकतों से इसमें आकर है क्या चीज़। उसकी वजह यह है कि अल्लाह के नबी ने एक अमल किया है इसमें। बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कहा ना कि मैं पसंद करता हूँ मुहर्रम वाला महीना है, तो अल्लाह नबी ने फिर पसंद किया इस महीने, उसने एक अमल किया है। वो अमल आप करें वो तो हदीसों से साबित है अल्हम्दुलिल्लाह। बोले सुभान अल्लाह, नबी ने बता दिया इसमें एक अमल किया है अल्लाह का नबी। बड़ा अजीब कभी अमल था, वो क्या था, एक दुआ मांगी थी बस। इस महीने कुछ भी अमल नहीं किया अल्लाह के नबी ने, क्या एक दुआ मांगी थी, अल्लाह हमें बारिक ना फी रजब व शाबान बल्लग ना रमजान। बोले सुभान बस एक दुआ मांगी है रजब की, जैसे चांद नजर आया अल्लाह की महबूब ने दुआ मांगी इस महीने बस, चार चांद लग गए फिर तो नूर अल्लाह नूर हो गया। उधर अल्लाह ने कह दी हूं तुम्हारा, तो अल्लाह के नबी ने दुआ मांग ली। किस चीज़ की दुआ मांगी है, दो चीज़ें मांगी हैं। अब चलते हैं इस हदीस की तरफ, जो मेरे जहन में आएगा बता रहा हूँ आप। दो चीज़ें मांगी अल्लाह के नबी ने, जित सब पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि तो सुन्नत भी है, और ये एक सबसे बड़ा अमल है इस दुआ का मांगने से। दो चीज़ें हैं इसमें जिस दुआ के अंदर है, एक बरकत उन्हें सुभान अल्लाह, और एक रमज़ान तक पहुँचना। रमज़ान को हासिल तो हैं हासिल इस दुआ की जो अल्लाह के नबी ने मांगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआएं मत मांगते हैं ना, जो दुआएं में सिखाइयाँ मांगी हैं, वो दुआ तो होती है लेकिन उस दुआ के साथ मैसेज भी होता है। याद रखें हम क्या करते हैं, दुआ को तो उचक लेते हैं लेकिन उस मैसेज को छोड़ देते हैं। बोलो सुभान अल्लाह, तो ये फकीर की आदत है कि मैसेज पहले पकड़ता है दुआ बाद में पकड़ता है। मैं ये दुआ होती है पहले उसके अंदर जाता हूँ मैं, ये है क्या इस दुआ में, ये लिपटी किस चीज़ के अंदर, आखिर अल्लाह के नबी कोई चीज़ मांगी इसमें कोई राज है कोई बहुत बड़ा। समझ नहीं आता मैं फिर पढ़ पढ़ के अल्लाह से दुआएं मांगता हूँ, अल्लाह ये मुझे दुआ समझा दे है क्या, और जब चीज समझ आए फिर मांगो तो फिर तो बड़ा ही लुत्फ आता है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन, पहले समझो उसको क्या है। अल्लाह माइना जिक्री का वो शुक्री का हुस्न इबादत मांगते हैं ना, मैं नहीं मांगता जब तक कि इस दुआ को समझ ना जाऊं कि है क्या इसके अंदर। तो आज तक दुआ पढ़ते रहे सुनते रहे, मैंने इस दुआ को अंदर गया हूं कि इसमें है क्या चीज, तो मुझे समझ नहीं दो चीजें।
बरकत और रमजान, क्या चीज बरकत और भाई, ये दो ही बातें। अल्लाह के नबी ने कहा कि रमजान को जो है बरकतों से भर दो, तो अल्लाह के नबी की दुआ और अल्लाह ना सुने ना माने, कहा देख ऐसी बरकत दूंगा रमजान में कि सारी दुनिया याद करेगी क्यामत तक, किसी महीने में ये बरकत ऐसी होगी नहीं, किससे पढ़ पढ़ के याद करेंगे इस ऐसी बरकत दूंगा। पता है आपको क्या है, मान अल्लाह, अल्लाह पाक ने इसमें ऐसा वाकया रख दिया, ऐसा वाकया रख दिया जिसको हम शबे माराज कहते हैं। सुभान अल्लाह, इतना बड़ा मौजा है नबी पाक का, किसी महीने में इतना बड़ा मौजा नहीं है जितना बड़ा मौजा अल्लाह के नबी यहां बताया। कैसा मौजा है, सुभान, अपने महबूब को उठाए मक्का मुकरमा से, उठा के बैतुल मुकद्दस पहुंचा दिया, तमाम अंबिया को जमा कर दिया, सब बड़े ही नाकरी को जमा कर दिया, मुंतजिर कर दिया कि एक आने वाला है, तुम बैतुल मुकद्दस से नमाज नहीं पढ़ते, आप सब तशरीफ ले आए, सब पीछे चले गए और आप आगे बढ़े और इमामत की, इमामुल अंबिया बनवा दिया। देखें बरकत इसमें इन्हें कि क्या अल्लाह ने बरकत डाली कि तूने दुआ मांगी तो ऐसी बरकत उतरेगी कि दुनिया याद करेगी इस वाकये को। वहां से उठाया पुराक के साथ, जीवित साथ, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा आसमान, सातवा आसमान, और फिर मुलाकातें फिर अंबिया के साथ, फिर दुआएं अंबिया के साथ, सुभान अल्लाह, सिदरतुल मुंतहा फरिश्ता चल रहे अभी टॉप क्लास, जो हाई क्लास फरिश्ता है, तो वहां पहुंचा, जी मेरी बादशाह सरकार, मैं इससे आगे बढ़ा तो खत्म, मेरी हदियां खत्म हो गई, सब मखलूक जो उसकी हद खत्म हो गई है, लेकिन आपकी अब तो अभी तो आपकी इब्तदा हुआ है यहां से वो सफर। ये बरकत देखिए, हमारा तो इंतहा है यहां, बस इससे ज्यादा तो कुछ सोच लो, वो भी मैं ही फरिश्तों में जो आया, लेकिन आपकी तो इब्तदा हो रही है यहां, सुभान अल्लाह, बाकिया सम्मान से शुरू की अल्लाह पाक ने, बिस्रा बिअब्दिही लैलतुन है ना, कुरान की पाक है वो जात, क्या बात है कि वो, ये तो वो जात है किसी ऐब से हर नुक्से पाक है, तो हर कुछ कर सकता है अल्लाह, उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है जो आप सोचने बैठ जाए ये कैसे हुआ कि एक रात में उठाया बिया भी आ गए और एक रात वापिस भी आए, जब वापिस आए तो बिस्तर भी गर्म था, कुंडी भी इस तरह हिल रही थी, वो मखलूक वहीं छुपी थी, ये मखलूक अल्लाह के जिस वक्त ये पे वाका पेश आया, मुजरान दिन पाते हैं कि सारी कायनात साकित हो गई, वहीं जम गई, वहीं जम गई, उसकी बड़ी ऊंची मिसाल है, मैं आपको बताता हूं बड़ी पहली मिसाल है, भाई अब मिस्टर आ रहा है कोई बहुत बड़ा किंग बादशाह आ रहा है सड़क पे, तो क्या होता है पूरी ट्रैफिक जाम हो जाती है, होती नहीं होती, सब वहीं जाम हो जाती है, रुक जाती है, क्यों कि भाई यहां से सवारी गुजरनी है फलां की, पुलिस रोक लेती है, सब खड़े हैं सड़कों पे, और पुलिस बाकायदा इसलिए तैनात की जाती है कि खबरदार जो एक गाड़ी भी आगे बढ़ी, होता ही नहीं होता, क्यों यहां से बादशाह सलामत गुजरेंगे, खतरा है, प्रोटोकॉल दिया जाएगा, सब जाम हो जाती है, सुभान अल्लाह, तो बुलाने वाले अल्लाह और जाने वाले हबीब, तुम मुझे बताएं दुनिया जाम नहीं होगी सारी ट्रैफिक चलेगी तो किसकी मजारे की ट्रैफिक आगे चल जाए, सूरज जहां था वहीं जम गया, चांद जहां था वहीं उग गया, सितारे जहां थे वहीं जम गए, पानी समंदर लहर हवाएं वहीं साबित हो गई, क्यों कि सवारी जा रही है महबूब की, सब मजा आ रहा है नहीं आ रहा, देखा रजब मना रहे हैं हम कैसे मना रहे हैं, सुभान अल्लाह, रुक गई सारी दुनिया वहीं साकित हो गई, चल बंद हो गई, और जिस वक्त आप देखते हैं कि सवारी गुजरती है एकदम ट्रैफिक चलना शुरू हो जाती है दोबारा भी सारी, तो जैसी सरकार पहुंचे वहां पर एक जब वापस आए तो पूरी दुनिया फिर चलना शुरू होगी इसी तरीके, चांद सूरज तभी तो सारा साकित था, वो जहां छोड़ गए थे वहीं की वहीं जमी हुई थी सारी चीज, क्या इस वक्त मुझे अपनी नात याद नहीं आ रही, महाराज शरीफ ने आपको सुनाता ताकि उसमें साइड में पढ़ लें नात, बड़ी प्यारी नात महाराज, तो फिर उन्होंने जी मैं तो बस मेरी बस है सरकार, अब तो आपको तो सफर अभी शुरू हुआ है, देखें क्या होता है, सुभान अल्लाह, अल्लाह क्या बरकत दे रहे हैं रमजान, बस सब खत्म, उसके बाद तो फिर अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने,
इतना जरूर पता चला जो हम तक बात पहुंची कि इधर नबी पर तशरीफ ले गए, अल्लाह साहब आमने सामने आवाज आई, अस्सलाम अलैकुम नबी और रहमतुल्लाह व बरकातहु। आज तक दोहराए जा रहे हैं, क्यामत तक हर नमाज में बंदा पढ़ता रहेगा। आते ही कलमा नहीं आता, आता याद पढ़ते नहीं पढ़ते, ये पढ़ते नहीं पढ़ते, ये क्या है? वही यादगार है रजब की, सुभान अल्लाह, ये मुलाकात की यादगार है कि जब मेरे महबूब से मुलाकात हुई थी तो मैंने इस तरह से सलाम पेश किया था। ये है ना बात रजब की, तो बरकत सुभान अल्लाह, देख कैसी बरकत आएगी। अब हम दादा लगा रहे हैं कितनी बरकत होगी रजब के अंदर, लेकिन अमल कोई नहीं है, अल्लाह ने अमल कोई नहीं, बस एक कमल क्या है, बरकत। इसकी वजह क्या है, सुनते जाए आज मेरी बात, रमजान बन जाएगा आपको, रमजान बन जाएगा आपकी जान, माशाल्लाह। ये देख रहे, हाँ तो क्या था बरकत, बस एक बरकत की बात की अल्लाह के नबी ने, तो पता क्या क्या कि उधर रमजान की बात की है। हकीकत में क्या है इस दुआ के अंदर, अल्लाह सुभाना ताला ये हबीब के सदकी हमें बताया ये जा रहा है कि रमजान की तैयारी करो, जिसके बारे में कितना बड़ा महीना होगा कि रजब जैसा महीना, बाबरकत महीना, जिसकी तारीफ मैंने आपके सामने की है, और फिर शाबान जिसमें आपको पता है 15वीं रात जो शाबान की कितनी अजीम रात है, वो उन तमाम महीनों से जिनके फजाइल बयान करते करते आदमी थक जाए, गुजारने के बाद नतीजा उसका क्या है कि तुम्हारे उम्मत को, उम्मत के लिए, उम्मत को पाक साफ करके रमजान तक अल्लाह ताला ले जाना चाहते हैं। तो असल रजब नहीं है, असल शाबान नहीं है, इसलिए कुछ इबादत ही नहीं है इनमें, असल क्या है, रमजान है कि 2 महीने पहले अल्लाह सुबहाना ताला ने इसकी तैयारी करने का हमें तरीका बयान फरमा रहे हैं। इस दुआ के अंदर यही है, क्या है वो तरीका, कौन सा है, अल्लाह मुबारक लना, ये अल्लाह ने बयान फरमाया कि अगर रमजान को हासिल तुमने करना है तो आज से एक काम शुरू कर दो। इस महीने से अल्लाह के नबी फरमा रहे हो क्या है कि इस महीने को बाबरकत बना लो, किसको, रजब को। अगर रजब को तुमने बाबरकत महीना बना लिया, मारक ना भी यही है दुआ है, देख रहे कि अगर तुमने रजब को बाबरकत महीना बना लिया तो तुम्हारा सफर जो है रमजान तक तुम्हें बाबरकत ले जाएगा और पूरे रमजान से मुकम्मल तौर पे तुम मुस्तफीद हो जाओगे, एक घड़ी से भी तुम महरूम नहीं होगे अगर तुमने बरकतों को आज समेट लिया। तो रमजान की तैयारी के लिए मेरे दोस्तों देखें क्या बताया जा रहा है, क्या चीज है, ऊंचा बोलो क्या चीज है, बरकत। अगर अच्छा रमजान लेना हम चाहते हैं तो उसके लिए जो इबादत बताई जा रही है वो कौन सी है, बरकत है। बरकत के जरिए हम सारे इनामात रमजान के हासिल कर सकेंगे, अगर बरकत नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और उस बरकत की हासिल करने की प्रैक्टिस के लिए 2 महीने में दिए, वो रमजान से 2 महीने पहले अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसके लिए कब से, रजब से शुरू हो जाओ तुम इस बरकत को हासिल करने। बात समझ आई नहीं आई, अभी सुने बताता हूं और समझाता हूं। कुछ सोच सकते आदमी, इतनी बड़ी चीज है कि पूरा रमजान बरकत से बनेगा, अगर बरकत नहीं होगी तो रमजान भी नहीं होगा। और अल्लाह के नबी ने बताया ये कि अल्लाह बारिक लना फी, कि रमजान तक पहुंचने के लिए ना हमें बरकत वाला दे दे, बरकत बना दे हमारे लिए पूरे इसमें, हम इसको बाबरकत बना दें, अपने बरकत से हासिल करें इस। अब आपने सवाल है बरकत क्या चीज है, क्वेश्चन है कि जिससे हमारा पूरे 2 महीने दिए और जिससे हमारा रमजान बनेगा और जिसके लिए अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी है, बरकत हासिल करो।
हम तो नहीं हासिल करते, हम कैसी तैयारी करते हैं? समोसे बनेंगे इतने सारे, फ्रिज में डालेंगे, और पौधे नहीं क्या क्या लवाजमात बनते हैं। चलो ठीक है, जिस्म को तकाजा है बेचारे का, लेकिन ये तो ना कहो ये रमजान की तैयारी है। क्या हो रहा है? रमजान की तैयारी करनी है, रमजान आ रहा है। जो आप ग्रोसरी की तरफ जाएंगे और ऐसी तैसी न की तो क्या कहते हैं समोसों की, मिर्च डाल पड़े क्या चटपटियाँ चीज़ें और पकौड़े तैयारी हैं। किसकी जी? रमजान की तैयारी। घर घर में शुरू हो जाएंगे, खाने बन के बहुत फ्रिज भर देंगे सारे। जरूर करें, कोई इसमें शक की बात नहीं, बड़ी सी चीज़ है खाना तो है ना, लेकिन इसकी तैयारी तो ना गए हैं। अल्लाह के नबी तैयारी की बरकत बने सुभान अल्लाह। तो हम क्यों बिद्दत कर रहे हैं? ये तो बिद्दत हो गई ना भाई, क्यों? तैयारी का नाम तो बरकत है। मेरे पर्स में है, आपको नहीं है? और हमारी तैयारी का नाम है पकौड़े और समोसे, तो ये तो बिद्दत है। हाँ, बनाएं जरूर, जमा जरूर करें खाने की, लेकिन ये ना कि रमजान की तैयारी कर रहे हैं ना, ये गलत बात। तो आप रमजान की तैयारी किससे करें? बरकत। बरकत क्या चीज है? ताकि उसको हासिल करें हम। बरकत बरकत लेने के लिए दोस्तों, कि बरकत वहां कैसे हासिल करें, वो क्या चीज है? बरकत हासिल करने की बरकत वाले अमाल करें, बोले बरकत हासिल करने के लिए बरकत वाले अमाल करें, कि जिस अमाल के अंदर अल्लाह ने बरकत की है, जब वो आप अमल करेंगे तो बरकत आ जाएगी। प्लीज वन ला। तो मैसेज क्या हुआ? मैसेज ये हुआ कि रजब को आप उन अमालों से सजा लें जिससे बरकत आप हासिल करते हैं। अब आप उन अमालों की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी प्रैक्टिस रमजान तक जाएगी, तो आप वही अमाल रमजान के अंदर करेंगे जो बरकत लेकर आएंगे आपके लिए। भाई अमाल करेंगे तो बरकत आएगी। दो किस्म की चीजें होती हैं, याद रखें, दो किस्म की चीजें, तीसरी है ही नहीं। या तो बरकत वाले अमल होते हैं, या नहुसत वाले, लानतों वाले, वो अमल होते हैं। तीसरा तो कोई अमल ही नहीं है। मैं दो अमल कर सकता हूं, या तो मेरे एक अमल से बरकतें उतर रही होंगी अल्हम्दुलिल्लाह, बोले अल्हम्दुलिल्लाह, या मेरे उस बरकत से नहुसत में और लानतें उतर रही होंगी अल्लाह ताला की। वो कैसे? कि जिस वक्त हम अल्लाह की पसंदीदा अमाल करेंगे, नमाज पढ़ेंगे तो क्या उतरेगी? बरकत। तिलावत करेंगे तो क्या उतरेगा? जिक्र करेंगे तो क्या उतरेगा? कोई नेक काम करेंगे तो क्या उतरेगा? बरकत। तो जिस वक्त आप नेक अमाल कर रहे हैं तो आप बरकतें समेट रहे हैं अल्लाह की, आपको लेने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद बरकत का नजूर होना शुरू हो जाता है, आप नहा जाते हैं बरकतों से। और इसी तरह जिस वक्त हम नापाक वो अमल करते हैं जो अल्लाह ताला को नापसंद है और शैतान को महबूब है, जो बहुत पसंद करता है, जरूर झूठ बोलना, गिबत करना, किसी की दिल दुखाना, किसी की बुराई करना, ये सब क्या है? लड़ाई झगड़े करना, ये तो शैतान के महबूब अमल है। नमाज पढ़ने की ताकत होने के बावजूद नमाज ना पढ़ना, अगर नमाज पढ़ना ताकत पूरी होना लेकिन जमात से ना पढ़ना, ये सारी चीजें क्या है? नहुसत में है, लानते हैं, याद रखें। ऐसे घर के अंदर जहां एक आदमी भी ऐसा है कि अल्लाह ने उसको ताकत दी कि जमात के साथ नमाज पढ़े, तो वो कहता है नहीं, घर में पढ़ लेते हैं, तो उसी वक्त हजूम हो जाएगा लानतों का। याद रखिए, दो अमल अपना रोज आप तजिया कर सकते हैं कि इस वक्त मैं किस हाल में हूं, इस वक्त क्या मेरा ऐसा अमल है कि जिससे अल्लाह नाराज हो रहे हैं, तो भूल जाए आप, कितना अपने आप को सजा लें, वल्लाही आप लानतों के अंदर डूब चुके होंगे। इसी वक्त तस्वीर भी ना करें, सोच भी ना सके आप, कैसे हो सकता है कि आप किसी गर्म पानी में हाथ डालें आप तवक्का करेंगे मैं मेरा हाथ ठंडा निकलेगा, किसी आग में हाथ डालें आप तवक्का करेंगे कि आपका हाथ जलेगा नहीं? ये आप कैसे तवक्का कर सकते हैं कि आप अमाल करें गुनाह वाले, अल्लाह की नापसंदगी वाले, और आप कहें जी बरकतें आ रही हैं? और यही शैतान का एक बहुत बड़ा धोखा है। इन शैतान जिनजा हो, शैतान जो है वो अमालों को खूबसूरत करके दिखाता है, जा जा तो उसका दिल दुखा, उसको गालियां दे, उसकी बगीबतें कर, उसकी बुराई कर, सारी सारी रात जगा कर ये काम लोगों से लेता है।
और उसको तसली देता है कि तू तो माँ, तेरा तो कमाल है, वो डूब चुका होता है अल्लाह की लानत के अंदर, वो शख्स उसको पता ही नहीं होता। क्योंकि जो स्टैंडर्ड अल्लाह ने दिया है कि आपका काम जलाना है, याद रखिए आपका काम तो जलाना है, तो इसका गुनाहों का काम क्या है, लानतों को समेटना है, शैतानों को जमा करना है, जिन्नात को उस जगह जमा करना है, जिस वक्त हम गुनाह करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं अल्लाह को नापसंद है छोटा या बड़ा, तो उसी वक्त जिन्नात और सब चीजें भलाएं हम घेरना शुरू कर देते हैं, दिल के अंदर वसवसे पैदा होते हैं, शैतान आ जाता है, डिप्रेशन आ जाते हैं, पूरी हालत इंसान की हो जाती है, इज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है वो शख्स। यू कैन यूज हिम, उसको हर जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं आप, वो बिल्कुल यानी ऐसा होता है हाव पाँव उसके काबू में नहीं रहते, उसका दिमाग उसके काबू में नहीं रहता है। हकीकत बता रहा हूं आपको, जिसको उनको पकड़ के हॉस्पिटल में फेंक देते हैं, उनको बरसों से बांध देते हैं, ये पागल हो गया, पागल नहीं है, पागल कैसे हो गया, फंसे ही होगा, उसने गुनाह इतने किए, गुनाह करने के साथ वो जिन्होंने जिन्नात ने घेर लिया उसको, पकड़ लिया उसको, तो सब नहीं। और इसी तरह जिस वक्त इंसान नए काम करता है तो उसको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, किसी दुआ की जरूरत नहीं, फौरन अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग शुरू हो जाती है, आना सो रहमतें आना शुरू हो जाती है, उसका दिन बिखर जाता है। ये छोटा बड़ी की बात नहीं है, मैं छोटा गुनाह कर रहा हूं, ये बात नहीं है मेरे भाइयों, ये सब हदीसें सुना रहा हूं। तो हर वक्त इंसान तजिया करता है कि आज आपका चौथा पहर है, तीसरा पहर है, दूसरा पहर है, जब स्कूल ना बोल ले आया नहीं, जब तो अल्लाह आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी की एक जो आदत थी वो ऐसी थी कि एक लम्हा भी आपका ऐसा नहीं था जिसमें अल्लाह को याद ना करते हो। क्यों कि सिमेट रहमत नहीं आती थी आपने वक्त, हमें बताया जा रहा है कि अल्लाह की रहमत से मुस्तफीद होना चाहते हो तो एक अमल है आप करते हैं उसको, ऐसा अमल है जैसे मैंने अभी हदीस पढ़ी आपके सामने कि आप जितना मुतवज्जा होंगे उसकी तरफ उसी कदर अल्लाह अपनी रहमतों के साथ आपकी तरफ मुतवज्जा होंगे। तो ये जो कहा जाए अल्लाह बाक नफी बारकना नफी रजबा रमजान के, अल्लाह रमजान को भी हमारा बार बरकत बना दे, तो इशारा दिया कि ऐसे काम करो रमजान के अंदर कि तुम बरकतों से भर जाओ तुम्हारा रमजान रजब और शाबान। मैंने सुना कितनी बड़ी बात कही है, वरना अगर तुमने बरकतें हासिल नहीं की, यानी तुमने अगर नए काम के साथ बरकतों को नहीं समेटा तो बेकार जाएगा तुम्हारा रमजान, बिल्कुल फजूल हो जाएगा, तुम बिल्कुल उसको जाया कर दोगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया भाई छोटा काम नहीं है, क्योंकि पूरा साल तुमने गलत कामों में गुजारा है, गलत हरकतों में गुजारा है, बुरी चीजों में तुमने गुजारा है पूरा साल, इसलिए 2 महीने दिए जा रहे हैं इस काम के लिए कि अब से कोशिश करना शुरू करोगे तो अल्लाह की फजल रहमत से रमजान तक तुम्हें पूरी अल्लाह आदत डाल देगा रहमतों को और बरकतों को समेटने के इस्तेमाल करने की। सिर्फ ये नहीं तरावी पढ़ ली फलां कर लिए रमजान आ गए तो ये 4 काम, ना 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 ऐसा रम, ये तो इतना बाबरकत महीना है, इसकी रहमतें हमारा दिमाग वहां तक पहुंच ही नहीं सकता कि रमजान है क्या, कि कितना बड़ा इस उम्मत को अल्लाह पाक ने तोहफा दिया है रमजान की शक्ल में, हम इसको सोच भी नहीं सकते, जिसकी तैयारी रजब से लेके कराई जा रही है, रजब जैसा बकर महीना, हुरमत वाला महीना, शाबान जैसा महीना, ये तो सिर्फ तैयारी के हैं, तो असल महीना क्या होगा। तो आज आकर तैयारी हम स्टैंडर्ड के साथ की, किसके स्टैंडर्ड के साथ, रमजान के स्टैंडर्ड के साथ, थम जाके काम बनेगा। तो आज मुझ जैसे गुनाहगार के लिए जो गुनाह में फर्क है, बुरी हरकतें करता है, एक मैसेज दिए लगा, अल्लाह मैसेज देता है, फोर्स नहीं करता किसी को, ये मैसेज है ना, फोर्स में चाहे तो अभी कोई फ्रिश तो उतर आए और एक जल्दी दिखाए हिला दे सब चीजों को, सब तोड़ा मांगने शुरू हो जाए, तो नहीं मांगेंगे, अभी एक झटका है जल्जिले का तो क्या करेगा हर आदमी, मुझे बताया गुनाहगार से गुनाहगार शख्स भी अगर एक जल्जिले का झटका आ जाए सब क्या करेंगे, बिजली खड़के जोर के साथ सब क्या करेंगे, या अल्लाह माफ कर दे, ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ बोल में जिक्र शुरू हो जाएगा, ये तुम्हारा हाल है, हो गए नहीं होगा तो इस शक्ल भी कर सकता, लेकिन फोर्स नहीं, ला इकल्ले सुन लो, वो फोर्स नहीं करता किसी, मैसेज पूरे पहुंचाएगा कब्र से पहले तक, वो किसी ना किसी मैसेज देते रहेगा, अब सही हो जाए, अब सही हो जाए, हर बंदे से अल्लाह प्यार करता है, हर बंदे से प्यार करता है,
किसी ना किसी मैसेज को जाएगी ठीक, फोर्स कभी नहीं करेगा और ना मुबल्लिग करेगा। अल्लाह के नबी ने कभी फोर्स नहीं किया और सच्चे अल्लाह के वली कभी फोर्स नहीं करते। मेरे हसन कभी मुझे नहीं कहा दाढ़ी रखो, वल्लाह मुझे कभी नहीं कहा कि इमाम पहनो, कभी नहीं कहा मुझे, ही नेवर सेट, कभी नहीं कहा कि जाओ नमाज पढ़ो, नहीं नहीं, उनकी नगाहें शिफा होती हैं, पैगाम इनको मुंह से ऐसे निकलते हैं सुभान अल्लाह के आदमी दिल में उतर जाते हैं। उन्हें क्या जरूरत, मुझे फोर्स करते पड़े इमाम पहनो, दाढ़ी रखो, फला करो, एक दिन नहीं कहा। वे दाढ़ी था, दाढ़ी काटता था, बुरे हालात में था, बुरी शक्ल में था, बुरे करेक्टर के साथ था, कुछ उन्होंने नहीं कहा, वल्लाह ही कभी नहीं कहा। और हम डरते ही हैं कि किसी अल्लाह के पास जाएंगे, भाई नमाज पढ़ो, भाई फला करो, ऐसे करो, कभी नहीं कहेगा। उसी का जरूरत है फोर्स करे किसी को, और जो ऐसी बात करते हैं इल्जाम लगाते हैं अल्लाह वालों पर, क्योंकि नबी पक्ष में तरीका नहीं था ये दावत का, हमने किसी को मजबूर नहीं किया। अबू जहल को मजबूर किया नहीं, अबू सद्दीक को कहा नहीं, सद्दीक के अंदर नूर था, सद्दीक बन गया सुभान अल्लाह। इसी क्या गजब में वाकया हुआ था, आ गया सुबह जब मेराज की बात सुने, अबू जहल कहने का मजे लगे, भाई आज तो देखो तमाशा लगेगा, देखता हूँ अब आज ये जब अबू बकर कहते हैं ना मैं बहुत ही वो शोर मचाया इसने, आज मैं जाके से बात करता हूँ। कहता भाई बात सुनो जी, क्या है कि अगर कोई आदमी ये कहे कि एक रात के अंदर मैंने यहां से गया बैतुल मुकद्दस, सुन रहे हो, सुनाई सुन रहा हूँ, बैतुल मुकद्दस, वो बैतुल मुकद्दस में सारे अंबिया जमा हो गए वहां उसके लिए, और फिर क्या जी वहां फिश्त सवारी ले आ गए, और फिर कह जी मैं आसमानों पे गया, और फिर क्या मैं अल्लाह से मिला, और फिर क्या मैं वापिस आया, वो सब वो एक ही रात में हो गया। बताओ कोई ऐसा हो सकता है, अगर कोई आदमी कहे ये सच है, सुभान अल्लाह, वो से देंगे कहा किसने है ये बता, वाकया छोड़ तू, बाकी बात छोड़, ये मफूम होता है हदीस का, कहा किसने है, ये कहने वाला कौन है। कहता तेरा यार, कहता उसने गया तो बिल्कुल सच कहा है, इधर इधर मुंह से निकला सच कहा है, उधर जिब्रील है कि तूने सच कहा तो तू भी सदीक है क्यामत तक, वो सदीक हो गया सुभान अल्लाह, अल्लाह की गवाही दे दी उसने सुभान अल्लाह। ये है ना ईमान, सन बिल गैब ईमान रखो, अल्लाह ताला कहता है ईमान बरखो बिल गैब, तजस्सुस मत करो, क्यूरियोसिटी में नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, दलील ना मुझसे पूछो, नहीं अमन तो बिल्ला है, बस ईमान ले आओ बिल गैब। किसने कहा नबी पाक ने काला का रसूलुल्लाह खत्म, ये भी नहीं अल्लाह ने, हमने क्या देखा है कि नबी ने कहा, कि नबी ने कहा तो सही कहा, किस साधक हमें किसी दलील की सूत नहीं है, सूद हराम है, ये क्यों हराम है, ये तरकीब में रुकता है, ये फला होता है, खंजीर हराम है, क्यों जी तो एक जानवर है तो उसमें इतना गोश्त होता है, उसमें इतनी चर्बी होती है, शराब क्यों हराम है। आज पूछते हैं ना जहनी लोग जो जिनके जहन माशाल्लाह ब्राइट जहन है ना, हम तो खुद जहन आदमी हैं, जिनके ब्राइट जहन है ना पूछते हैं, दलील देते हैं शराब क्यों हराम हो गई, तो बड़े एक सोशल चीज़ें फला चीज़ क्यों हराम हो गई, ये पर्दे क्यों किए जाते हैं जी, आप ये इमाम दाढ़ी क्यों रखते हैं, इसमें क्या रखा है, तो पुराने जमाने की चीज़ें थी भाई, उनकी दिल उनके दिमाग पर रोशन ख्याल लोग हैं, दिल्ली पूछते हैं। तो हमारे पास एक जवाब है, एक जवाब है, आमंतु बिल्लाह रसूल ही, मैं काफिर था मुसलमान हूं तो एक चीज हूं कि मैं ईमान ले अल्लाह अल्लाह के रसूल पर जो कहता है, वॉट एनी दलील, ना मैं देता हूं ना मुझे जरूरत है किस चीज की, कभी बहस नहीं करो इस चीज में रोजमान अल्लाह। ये ऐसा हो जाए तो जी ये तो बड़ा चीज है, मैं अक्सर लोगों को देखता हूं कि किसने जी श्रम, ये नुकसान है उसमें, ये नुकसान है उसमें, ये फायदे हैं, क्या जरूरत क्या नहीं, बोलो आमन तो बिल्ला है रसूल ही, मैं तो ईमान लिया, मैं काफिर था बेजोश नहीं था, लेकिन जब मैं ईमान लिया अल्लाह पे तो मैं ईमान लिया इसके हर बात पर, मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्यों कि हर चीज मेरे दिल में उतर चुकी है, खत्म, सारे वस्व से खत्म हो जाएंगे। उन्हें सुभान रजा, रजा की तैयारी किससे होगी, बरकत, ना उसमें रोजा रखने की जरूरत है, ना उसमें और फंक्शन मनाने की जरूरत है, कुछ नहीं, बस एक काम करो बरकत, और बरकत चीज किस चीज से आएगी,
हमारे सहाला से नहीं आती। ये भी सुन ले, मैं आपको बता देता हूँ, ये एक नुकता और सुन लें, जो कुरान पढ़ रहे हैं बरकत आ जाएगी, नहीं आएगी। जब उम्र के लिए बुकिंग हो रही है बरकत आ जाएगी, हजों के लिए बरकत नहीं आएगी। बरकत एक चीज से आएगी, याद रखिए, एक चीज से। कब? कि जब गुनाह छोड़ देंगे बरकत उससे आती है। कुरान पढ़ रहे हैं साथ में गुनाह कर रहे हैं, बरकत आएगी? नहीं आएगी। और आजकल यही मामला है, यही मामला है। जी हम जितना कुरान पढ़ते हैं, अखला पढ़ते हैं, बस ये एक लिखा है ना, उसे रात को देख लिया, सुबह देख लिया, ये तो छोटी मोटी काम। कुछ हम इतना जो काम करें, तहज्जुद हमने पढ़ी है, सारी रात इबादत करें, सारी रात आप जिक्र करें, सारी रात आप तहज्जुद पढ़ते रहें, लेकिन आपने अगर एक गीबत कर दी, सारे पानी फेर दिया आपने गुनाह, ले डूबा आपके गुनाह। तो अगर बरकत लेनी है तो देखिए, एक फलसफा, बरकत लेनी है तो इस्तफना जाए मानो तो नहीं, बरकत लेनी है तो गुनाहों को तर्क करें सबसे पहले, गुनाह को छोड़ें, तब जाके जो आप अमल करेंगे सारा, ये नूर नूर बनता चला जाएगा, बरकत आना शुरू हो जाएगी। फिर खोलें आप गुनाह, गुनाह छोड़ने के बाद फिर खोलें कुरान, फिर जाए सिजदों में, तो नूर की बारिशें शुरू हो जाती है फिर इंसान। हमने अपने नेक अमालों को खुद खराब किया हुआ है। यानी ऐसे कि कोई इंसान आपको बहुत बड़ा तोहफा दे, बहुत बड़ी गाड़ी दे आपको, है जी, उस गाड़ी के साथ आप करें नाइंसाफी और उसको बुरी तरीके इस्तेमाल करें, फेंकें, तो किसका कसूर है? देने वाले का या हमारा कसूर है कि हमने उसको बर्बाद कर दिया? तो अल्लाह ने तो हमें दिए नमाजें, तलावत के दिए कुरान, और जिक्र के दिए अपना नाम, सुभान अल्लाह, जिक्र के लिए दिया अपना बोलो नाम। तो हम क्या करते हैं? काम गुनाहों से करते हैं, सत्यानाश तमाम चीजों, गुनाहों के साथ। कुरान भी खत्म किया हुआ है, हिफ्स भी खत्म किया हुआ है। किसी ऐसे हाफिज से पीछे जिसके अंदर सीने में कुरान है और वो गुनाह करता है, उसको महसूस होता है कुरान है उसके सीने में? अल्लाह की कसम नहीं होगा, और बोझ नजर आएगा उसको। सुभान अल्लाह, कुल अल्लाह एक मेरे सीने में आ जाए ना, पूरा नूर हो जाता दिल, अल्हम्दुलिल्लाह। एक कुल अल्लाह जब पढ़ते हैं ना आदमी दिल के अंदर याद करके, एक छोटा बच्चा होता है जब समझ सकता है ना, कुल अल्लाह पढ़ जब पढ़ते हैं तो बड़ा लुत्फ आता है कि तो अल्लाह होकर कितना प्यारा बच्चा लग रहा है कुल अल्लाह पढ़ रहा है, क्योंकि उसके उसके सीने उतर ना नया नया, तो हमें भी लुत्फ आना शुरू हो जाता है उसके सुनने से। आप तजर्बा करके देख लें, किसी छोटे बच्चे को छोटा सा उसको आप बिस्मिल्लाह पढ़ाएं, जब वो बिस्मिल्लाह पढ़ेगा सारा घर खुश होगा, तो पता चले क्योंकि उसने पहली दफा उसके सीने में बिस्मिल्लाह गया है, तो उसकी लज्जत इतनी है कि सबको महसूस कर दिया उसने, सुभान अल्लाह। लेकिन हमारे सीने में कुरान है, उस कुरान को गुनाहों से तबाह कर दिया हमने, वो बोझ बन गया हमारे लिए, हम डिसलाइक करते हैं उसको, तो अभी उसे भागते हैं, नफरत करते हैं, सुबह को कैसे पढ़ें, अंदाजे लगाए। अल्लाह वक्त सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह ताहा, कैसी कैसी वो सारा बर्बाद किया। नहीं, उसके जगह हमें क्या पसंद है? ये बदमाशी, वो चीजें, ये चीजें, फला चीजें, गुनाहों के साथ बर्बाद किया। तो मुझे बताए कौन कहता है कि कुरान बरकत लेके आएगा? बरकत वो कुरान लेके आएगा जिसके साथ गुनाह नहीं होगा। तो रजब के अंदर जिस बरकत की बात की जा रही है वो क्या है कि तरके गुनाह करो। रजब के अंदर, रजब के अंदर कोई गुनाह नहीं होना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करो, अल्लाह ताला कह रहा है, तब तुम्हें ऐसा रमजान मिलेगा कि जो बगैर गुनाहों के होगा वो ऐसा रमजान होगा जिंदगी के लिए एक ही रमजान काफी हो जाएगा तुम्हारे। नहीं जी, तरावीह की तैयारी भी हो रही है, हाफिज भी आ रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, लेकिन बरकत नहीं आ रही। बरकत क्या मतलब? गुनाह नहीं छोड़े जा रहे। गुनाह तो जब छोड़ोगे तो बरकत आएगी, याद रखिए। और यही दुआ अल्लाह के नबी ने मांगी, अल्लाह बारक नफी रजब और रमजान। आप समझ आइए दुआ कि अल्लाह ताला मेरे रजब को ऐसा बना दे कि जिसमें कोई गुनाह ना हो, ना आंखों का गुनाह हो, ना जबान का गुनाह हो, ना दिल का गुनाह हो, ना हाथों का गुनाह हो। ये नहीं कहा जाकर मुझे ऐसा बरकत वाला बनाते मैं नमाजें पढ़ रहा हूं और जब मैं ये कर रहा हूं, तभी तो अल्लाह के नबी ने कोई इबादत दी ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि बगैर इबादत के क्या है बरकत ना हो, तो उसका मतलब इबादत नहीं दी बल्कि क्या है? गुनाह छोड़ दो। ना कोई इबादत देते ना इन देते,
बात समझे मेरी बात, बड़ा टेक्निकल पॉइंट अल्लाह ने मेरे सीने में डाला सुन, बोले सुभान अल्लाह। तो ऐसी चीजें अल्लाह बताया करे ना कि जो किसी किताबों में, तो शुक्र किया करें अल्लाह ताला का, कितना अच्छा नुकद है आपको सोच कि रजम में कोई इबादत नहीं थी, खुद बितों ने हमने याद कर लिया, इस रात को जागल होते ये रोजा रख लो, तो फला एक शख्स रोजा रखता था सब्जी का किसी रजब का, हज तुम निकला है, कहते किसने रोजा रखा है, किसने रखा है, कह जी फला शख्स ने रखा है, कहते क्यों रखा तूने रोजा, कह जी इसलिए कि इस रोजे की बरकत होगी फला होगी, कहते अभी तोड़ दे रोजा, मेरा पीछे से आ रहा है मेरा कोड़ा, कहते अल्लाह के नबी को करते देखा था ये काम, कहते नहीं, फिर और तू रोजा रखना तो वैसे रखा आम जैसे रोजा रखते हैं, लेकिन ये बिलखसूस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने कोई इबादत बताई ही नहीं, सुभान अल्लाह, जो इबादत बताई है वो करो, वो क्या कि गुनाह ना करो, बरकतें से हासिल करो, तो ये सबसे बड़ी इबादत है, ये भी इबादत है गुनाह को छोड़ना, याद रखें हम सबको इसको इबादत नहीं समझते, ये तो उससे बड़ी इबादत बन जाती है तरके गुनाह, ना छोड़ना करने से ज्यादा बड़ी बड़ी इबादत बन जाती है ना करना। तो भाई क्या बताया जा रहा है कि रमजान की तैयारी कैसे करनी है, हमने सबसे पहले बरकत लेने के लिए क्या चीज है, तरके गुनाह, समझ आ गई बात, पक्की आ गई, रमजान लेना चाहते हैं ये करना हो, तरके गुनाह का सबसे पहला स्टेप क्या है दोस्तों, देखें अल्लाह के नबी ने कैसे दीन सिखाया है, हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में बरकत आ जाए, लेकिन मैं तो गुनाह से भरा हुआ हूं, कोई बात नहीं, अगर मैं अब तक बुतों में पूछता रहा हूं, जना ही करता रहा हूं, चोरी ही करता रहा हूं, बात इस वक्त मेरे समझ में आई है और रमजान में 2 महीने बाकी हैं, अल्लाह हो पर अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले हैं, अभी साफ कर देगा, गुनाह नहीं, क्या बात है, अभी साफ कर देगा, कैसे कैसे, एक चीज दी अल्लाह ताला ने, वो क्या, तौबा। तो रजब की सबसे पहले तैयारी क्या है, बंदे को चाहिए कि हम मैं तैयार होना चाहता हूं रमजान के लिए, फरमाया रजब दिया हमने, रजब में पहला काम क्या करो, तौबा, तौबा नसूह कर लो, 2 किस्म की तौबाएं होती हैं भाई, तो कुरान से साबित है, एक तौबा आपके अल्लाह माफ फरमा, ये भी तौबा है, तो फिर पढ़ना ये भी तौबा है, एक है तौबा नसूह, वो कौन सी है, या ही नबी जाकल मोमिनात, ए नबी तेरे पास भेजूंगा औरतें मर्द, किस लिए कि तू उनको बैत करा, तो तौबा नसूह है कि जब किसी शेख के हाथ पे जाके आप बैत करेंगे और उसको गवाह बनाएंगे और उससे आप कहेंगे अल्लाह शुक्र भैया, ये कुरान की याद पढ़ रहा हूं आपके सामने कि मैं ये गुनाह नहीं करूंगा शेख, मैं ये गुनाह नहीं करूंगा शेख, ये कौन सी तौबा हो रही है, उसके बाद फिर सुना है कि जब वो मान जाए तो फिर उधर मदीने में नबी बनता जाएगा, तू उनके लिए इस्तगफार कर, आयत पढ़ लें कुरान की, कहते हैं फिर नबी इस्तगफार करता है उसके लिए, इसको कहते हैं तौबा नसूह। तो रजब के अंदर जिसने ये काम कर लिया कि किसी शेख को तलाश किया और हाजिर तो मुझे बैत कराएं, मुझे तौबा कराएं, बैत से मुराद क्या है, तौबा कराएं, उसने आपका हाथ पकड़ लिया अल्लाह को, अब उसका दिल किया और उसने आपको कलमात पढ़ा, उसने ये वादे ले लिए आपसे और आपने वादे दे दिए, तो पहला इनाम यह है कि अल्लाह के नबी आपके लिए दुआ करेंगे मदीने में। कौन सी नबी, जिसकी जबान से आए ये दुआ निकली थी, बार को कहें सुभान अल्लाह, इस आदमी तो इस पूरी बरकतों को समेट लिया रजब की, है कोई गुनाहगार तो तौबा करना चाहता है आज ही रात, सुभान अल्लाह, आवाज दे रहा है रजब, अगर मेरी बातें आप समझ रहे हैं, मैसेज जा रहा है तो जरा गौर से सुन लें, ये सब ड्रामे छोड़ दें जो चलते हैं ना, ये ड्रामे छोड़ दें, जो ये आ रहा है जी फलां कर लो जी ये कर लो, अब ये होगा तो कुछ नहीं होगा, रजब और रमजान का तरीका यही है जो मैं आपको बता रहा हूं, तौबा कर लो, सबसे पहले क्या करनी है, तौबा नसूह, ये है तौबा, एक तौबा नसूह है जिसकी तौबे कच्ची हो गई है, दुआ तौबा कर लें रजब में, कहता तारा गुनाह करता रहा हूं, वादे मैं तोड़ता रहा हूं, मुझे दोबारा तौबा नसीब फरमा, क्योंकि रमजान जिसका जाया हो गया उसकी बहुत चीज जाया होगी, यहां एक बड़ा पॉइंट है इस आयत का, इस दुआ के अंदर तो बल लगना, ये बहुत बड़ी बात है, ये बात जो अल्लाह के नबी ने कही है, गौर से सुन लें, आ रहा पॉइंट बताऊं, बता दू सुन, ये बल लगना क्या चीज है, मैंने कहा ना मैं डूबता हूं आयत दुआओं के अंदर, मैं डूबता हूं उसमें, पहले मैं दुआ समझता हूं अल्लाह से कि अल्लाह तू समझाए दुआ है क्या, तो मैं बल्लगना,
अल्लाह के नबी ये क्यों कहा कि मुझे रमजान तक पहुंचा? क्या हुआ? यहां इशारा दिया है कि तेरी कोई हैसियत नहीं, तू तो मौत के सिराने खड़ा हुआ है। बेवकूफ, अल्लाह से दुआ मांग के अल्लाह रमजान तक मुझे मौत ना देना। कितनी प्यारी बात की अल्लाह के नबी ने की कि अल्लाह ताला इतना बड़ा महीना है, मैं इसको जाया करूं, मेरी मौत को भी रोक ले, इस महीने को मुझे नसीब फरमा दे। अंदाजा लगाए कितना बड़ा महीना हो। बात समझ आएगी मेरी? नहीं तो बल लगना वहां तक पहुंचा, यानी अल्लाह ताला से इतनी इल्तिजा करें कि अल्लाह ताला मेरी मौत को भी रोक ले, ये महीना मेरा जाया ना करना, मुझे वहां तक पहुंचा दे, इस महीने को मुझे नसीब कर दे, मैं देख लू इस महीने को। क्या बरकतें हैं इस महीने के अंदर, सोचिए ये राइट वे है, राइट तरीका बताया इसके अंदर किसी चीज को हासिल करने का। तो भाई पहली चीज क्या है? तैयारी रजब की। पहली चीज क्या है? तौबा। तौबा नसूह जिसको कहा जाता है। अपनी अपनी तौबाओं को देखें ना, हम क्या हरकत करते हैं। तो ये रमजान वरना जाया हो जाएगा, और इतनी बड़ी चीज है जाया कर देना कि जिंदगी चली गई आपकी, तो फिर कोई गारंटी नहीं है। और अल्लाह की रहमत से उम्मीद करता हूं कि जिसने दिल के साथ ये दुआ मांग ली और समझ के दुआ को कि अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, इंशाल्लाह उसको हर बीमारियों से बचाकर अल्लाह ताला रमजान तक पहुंचा ही देगा। उसकी क्या नजदीक है? जिंदगी बढ़ा दे इंसान की। अभी मेरे दो वाकई याद, जिंदगी बढ़ने के दो वाकई याद आ रहे हैं, लेकिन वक्त बहुत गुजर जाएगा। कम चलता है सिर्फ नबी का, चलो कम चलता है, मरना था एक शख्स जिंदगी बढ़ा दी उसकी। मैं आपको दो वाक्य सुना सकता हूं, मुस्तनद। तो भाई ये तो अल्लाह तो जिंदगी बना, अल्लाह के नजदीक मार भी सकता है, जिंदा भी कर सकता है। और फिर अल्लाह के नबी की खुद मांगी हुई दुआ है कि मांगो दुआ, तुम मुझे जिंदगी देता है, बीमारी से बचा, हर चीज से बचा के मुझे रमजान दिखा दे। जब ये मोहब्बत रमजान की कदर आ रही है, रमजान की नहीं आ रही है, पता चल रहा है रमजान का? अब समोसे बनाएंगे या दूध भगवानी रजा बनाएंगे, मुझे बताया। देखिए ये है तैयारी। समोसे बनाए, पकौड़े बनाए, तैयारी मत कहें। तैयारी इसको कहो कि मैं गुनाह की तौबा कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने औकात को सजा रहा हूं, मैं माफी मांग रहा हूं रब से, मैं गुनाहों को कभी कभी भी जान दूंगा रजम में। तो कहेंगे सुभान अल्लाह, ये रमजान की तैयारी कर रहे हैं। तो पहली चीज किसी अल्लाह वाले के हाथ में बैत हो जाओ। मैं अपनी तब इशारा नहीं कर रहा, लोग कहेंगे लोग ये फंसा रहे हैं, लोगों को मुरीद बना रहे हैं। मैं अल्लाह वाला हुई नहीं, मैंने कभी कहा ही नहीं, बांगे दौड़ कहता हूँ, रिकॉर्डेड कहता हूँ, मैं ना कोई अल्लाह वाला नहीं, ना मैं कोई बली हूँ, ना मैं तो एक काम इसलिए कर रहा हूँ, मेरे शेख ने मुझे कहा ये काम करो, मैं कर रहा हूँ ना। मैं तो आपको जूतों का खाक भी नहीं, जूतों की खाक भी नहीं, मुझे आप गाली दें, बुरा कहें, जितनी बेइज्जती करें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश होता हूँ कि ये आदमी मुझे पहचान गया है। मेरा विलायत से क्या ताल्लुक भाई, बड़े इतने बड़े बड़े होते मेरे पास कहां से आ जाएंगे, मैं कौन हूं? ये तो अल्लाह दोस्त का एक कलम हो गया, नजर कलम की, जाओ यार वहां बैठ के लोगों को अल्लाह का जिक्र सिखा दो, वो भी उनके जो बताया वो बता देता हूँ। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं जानते ही कुछ नहीं हूं, मैं तो कई दफा बता चुका हूँ, क्लियर कर बात है। तो ऐसे करके उनको बता देना, बता रहा हूँ मुझे क्या पता। बस ये है कि एक चीज पे कुछ करता हूँ, जो मैं अपने शेख से बात की है, वादा की है, बस वो पूरा कर दूं ताकि वो मेरी सिफारिश करे, निकलवा दें मुझे। ये तो है ना कि इतना तो हो ना भाई, जब जिसका काम करें आप उससे उम्मीद तो रखें ना भाई। बाकी मेरा तो आप तो लिख के देता हूँ, मेरा कोई बुली नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरा, कुछ भी नहीं भाई मेरे पास, ऐसी ऐसी तो बात ही है। इसको समझे मैं कहूँ किसी अल्लाह वाले को तलाश करो, तो अल्लाह वाले को तलाश करें आप, जाए और उसको हाथ पकड़ें और उसका तौबा करें। इस रजब के अंदर जाया ना करें कि ये रजब जाया नहीं करेंगे आप, रमजान जाया हो जाएगा अगर इस आपने तैयारी नहीं की। और जिनकी तौबाएं कमजोर हो गई हैं, बदमाशी करते रहें, शर्त करते हैं, रुजू कर लें, फिर रमजान जाया ना करें। सब जितने कुरान पढ़ लिए, फरा पढ़ लिए, मैं बताऊं एक डेली की बरकत नहीं आएगी, 10,000 कुरान पढ़ लें रमजान के अंदर आप। लोग नाराज होंगे मुझसे, लेकिन हो जाए, मैं बात सच्ची करता हूं। 10,000 कुरान पढ़ लें, 10,000 सीधे कर लें, जाए काबा का तवाफ करते रहें, बुके कर लें, सीटें बुक कर ली होंगे लोगों ने मदीने की, उसी कर देना जितना आपने करना है। तो हो सकता है जिसकी दाढ़ी पूरी ना हो जाके मदीना चला जाए रमजान करने,
हजारों दिखा देता हूं मैं आदमी आपको, क्या उसकी वो कबूल हो रही है, उसकी बरकतें आ रही हैं, उसको लानतें पड़ रही हैं उसको कि मेरे पास आया भी इस हालत के अंदर है, सूद के साथ आया, हराम कमाई के साथ आया, बेगैर तुझे पता नहीं थी हराम कमाई हराम है, तो झूठे से रोटी रोटी कमाता है, तो फ्रॉड करता है, तो घर के अंदर बैठा होता है, नमाज जा रही होती, तेरे बच्चों की जा रही है, तेरी बीवी की जा रही है, तेरे औलादों की जा रही है, तू मेरे पास आया इसलिए कि तेरे पास पैसा था, बेहतर था वही लानते तेरे पड़ती, अब तू मदीने में लानते लेके जाएगा, वहां की लानते भी बहुत सख्त है, अगर वहां जाना है तो पूरी तैयारी के साथ जाए, तैयारी फिर वही जेब वाली नहीं, रूहानी तैयारी हो, सच्ची तौबा के साथ जाए, ऐसे ही टिकट कटाया जी रमजान गुजारने जा रहे हैं जी, वहां ये होगा जी वहां जी एहतिकाफ करेंगे, क्या तमाशा है, मजाक है जी, पहले वहां जाएंगे जी, फिर उसके बाद उधर जाएंगे जी, फिर उसके बाद इधर जाएंगे, फिर बैतुल मुकद्दस, तमाशा लगाया लोग, हाँ जी अल्लाह ताला पैसों से भी आजमाता है इंसानों को, याद रखें, और फिर बड़ी बड़ी बातें जी, हम तो ये और फलां तो ये चक्कर कराया, हम लोग मुबारक बात दे रहे हैं, दाढ़ी इतनी इतनी है, ना सुन्नत है ना शरीयत है ना नमाजें हैं, कभी मस्जिदों में आती नहीं नमाज पढ़ने, कभी आ गए कभी चले गए, कभी बैठ गए कभी नहीं, हौल बला हो फैला, तमाशा दीन का बनाया हुआ दोस्तों, कहते बरकतें गुनाहों से घर भरे हुए हमारे, गुनाहों से घर भरे हुए, लेकिन कुरान सजे हुए हैं, आयतें लगी हुई हैं, कभी कभी सूरह यासीन की टेप में चला ली, बरकतें आ गई जना, मुसल रखे हैं बड़े, ये मदीने के मुसल है जी, मक्के से आए जी, आबिज जमजम वहां से आए जी, खजूर मदीने के खा रहे हैं, वो पता नहीं क्या क्या रखे हैं चीजें, बरकतें आ गई, यह है कि आप एक मिसाल देना चाहता हूं आपको, घर के अंदर सबसे गंदी जगह कौन सी है, सबसे गंदी जगह, कितनी गंदी जगह है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया दुआ मांग के जाओ इसके अंदर, क्यों गंदगी नजर आती है, टॉयलेट आजकल तो बड़े बेहतरीन साफ सुथरे टॉयलेट होते हैं, खुशियां लगी होती हैं, अंदर जाए तो माशाल्लाह, एक साहब ने वहां लाइब्रेरी बनाई हुई थी, अंदाजा लग रहा जानी इंसान, ये मैंने खुद देखा है, जहां बैठ के तमाशा करते ना आदमी, वहां साइड में लाइब्रेरी से बनाई, उसने शर्त रखी हुई थी, मैं ये क्या किया है, कभी वक्त कभी ज्यादा भी लग जाता है, अल्लाह अल्लाह, ये है इंसान का दिमाग, बहुत बड़े अमीर थे, एमिस्टर था अमेरिका का सुबह, मैं कहता तुम ये पक्ष की बात, मैं तो पागल हो गए, तुम ये है इंसान का हाल अंदाजा लगा, इस तो दिमाग फैल जाता है, पैसे ये पैसे ये इंसान की टेस्ट हैं, ये आजमाइश होती है पैसे, वो खुश होता है मैं बहुत अल्लाह ने मेरे बड़ा इनाम दे दिया है, ये इनाम ये नहीं है, अगर उस नेमत को सही खर्च कर रहा है तो वो इनाम है, उस नेमत को गलत खर्च कर रहा है तो वो अल्लाह का अजाब है, गजब है, पैसे को नेमत ना समझो, उसके इस्तेमाल को नेमत समझो, पैसे आने पर खुश ना हो, पैसे को खर्च करने पर खुश हो कि मैं कर कहां रहा हूं, ये छोटे छोटे पॉइंट मेरे दिल पे रखा करें आप, आज कितना कमाई, आज टैक्सी चलाई तो चलाया, आज हमारी दुकान चली तो इतना चलाया, तो बड़े खुश हो रहे हैं, पैसे पे खुश ना हो, ये बताओ मुझे कि इसका खर्च किधर किया है, कितना अल्लाह को दिया है, कितने बेटे के रख लिया रखा है, किसका कितना कर्जा आपने ताने को दिया है, किस किस के दिलों को खुश किया है, इसके साथ मुझे बताएं आप, अल्लाह ताला देता है, बाज दफा क्या कि मुझे पैसे देता है, अब देखता है कि ये मेरी मखलूक को देता नहीं देता, जब आप वही पैसा मखलूक को लौटाते हो, ये सोचकर बड़ी अच्छी पॉइंट बता दूं आपको, आपको जब पैसा आए 10 लाख आपके पास आ गए, आपको सोचना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने ये किस किस के लिए मुझे पैसा दिया है, क्यों दो सीधे मारे कि अल्लाह ताला तूने एक बड़ा ऊंचा जॉब मुझे तूने दे दिया है, अब इतने लोगों का मैं कितना मैं कहां कहां लोगों को खिलाऊंगा, मुझे पता है मेरा नहीं है, तू मुझसे एक काम लेना चाहता है तो मैं पूरी इंशाल्लाह ड्यूटी दूंगा, उसका तू मुझे इनाम अता फरमा देगा, उसको अपना मैं अपना समझता नहीं, आप कहना कि मैंने किस किस को ये देना है, अल्लाह की मखलूक को पहुंचाना है, जिस चीज का ये पैसा अल्लाह ने मुझे दिया है, अरे तकबीर अल्लाह, सबसे बड़ा अल्लाह है, मेरा नहीं है पैसा, बल्कि अल्लाह ने एक मुझे जॉब दिया है, उस जॉब को समझे क्या ये तूने अब मेरी मखलूक को पहुंचा, बस इसलिए तुझे इनाम दूंगा, तो अपने हाथ से देगा, कितना मजा आएगा, अब आप पैसे निकाल लें यार, ये 15,000 उसको दे देना, 30,000 उसको देंगे, मेरा नहीं है, मेरा वो ही है जिसका मैं अपनी रोटी पानी कर लूं, बच्चों को गुजारा कर दूं, उसका निकाल लें,
जिसका था उसको पहुंचा दें। हम यार कहते हैं सारा बैंक में डालते हैं, बैंक से सूद जाता है, सूद वाले सूद कमाते हैं, ना जायज। अल्लाह कहेगा ठीक है, ये तो मैंने तुझे दिया था, एक ड्यूटी दी थी कि पुत्र ये पैसा तो फला फला को पहुंचा दे, और तूने इसको अपने समझ लिया। तो जिसके पास पैसा आए उसको ना देखो, उसको देखो पैसा खर्च कहां कर रहा है। आज तो बहुत चीज समझ आ रही है माशाल्लाह, हैं तजर की बरकत। फौजी मुझे नौकरी मिली है जी 10,000 जिसमें तनख्वाह है, सुभान अल्लाह 10,000 तेरा खर्चा कितना है जी? मेरा तो हो जाता है ये अपना 5,000 में, तो बाकी फिर दूसरों के लिए दिया अल्लाह ने तुझे, चुप करके वहां पहुंचा दे, तेरा नहीं है ये, तो मेरे पास क्यों है? ये तेरे इस पास क्या है? तेरे दर्जों को बुलंद करना चाहता है। हस आयशा सदीका के पास इतना दौलत आ गई, सब साफ कर दी शाम तक, कहिए अपने लिए तो रख लेती, आपका रोजा था, कहते पहले पगल पहले ही क्यों नहीं बताया कि मैं फिर रख लेती खाने के लिए, कि दूसरे दिन फिर आ गई थोड़े दिन को फिर बार दी, कहते आज भी नहीं आपने रखा, कि तूने मुझे याद ही नहीं कराया, सुभान अल्लाह, जिसका था उसको पहुंचा दिया। बस ये मुझे फायदा हुआ कि अल्लाह का कलम यह कि जितने मैंने इसमें मेहनत की है जन्नत में मेरा मुकाम बन गया उसका। जो आप जिसकी नौकरी करेंगे आपको पैसा नहीं मिलेंगे, सुभान अल्लाह। अब समझ आई बात? अभी पैसा आपके नहीं, आपके पास पैसा है कि मेरा खर्चा कितना है, ये जी मेरे गाड़ी का खर्चा है, ये मेरे बच्चों का खर्चा है, ये मेरे बहन का खर्चा है, यकीन आप खर्च निकाल लें, अपना अपना खर्च निकाल लें, एक तरफ फर्क नहीं, कहते ये फिर ज्यादा पैसा क्यों दिया अल्लाह ने मुझे, तो पुत्र तेरा नहीं, तू अपने हाथ से खर्चे कर, जितना तू मेहनत करेगा ना खर्च करने पर, फिर देख अल्लाह तेरे मुकाम कितने बुलंद करता है। हम मांगते हैं बैंकों की तरफ छुपा के, इधर किधर जा रहे हैं, बैंक जा रहा हूँ जी पैसे दिलाओ, नहीं चक्कर काट, इतना पैसा जेब में होता था कि बैंक में जमा कराऊं, कभी नहीं, क्या करना है अपने हिसाब रख लेना जी, इतना खर्च करना इतना। बात क्या चल रही थी भाई? सबसे पहला काम क्या है? तौबा। किसकी तैयारी हो रही है? और रमजान गया तो क्या गया, क्यों किसके लिए? तो अल्लाह के नबी ने कहा है कि जिंदगी मांगो रमजान को पाने के लिए अल्लाह से, अल्लाह ना रमजान कि अल्लाह तू मुझे रमजान तक पहुंचा दे, या अल्लाह मुझे मौत ना देना, या अल्लाह मेरी सेहत को सही रखना, या अल्लाह को बीमारी ना देना, या अल्लाह को मुश्किल ना डालना, क्यों मुझे रमजान तक पहुंचा दे? कोई घड़ी चीज होगी रमजान की जो अल्लाह नबी ने दुआ मांगी है? किसी महीने के लिए कहा तो क्या चीज होगा रमजान कि जिसको अल्लाह भी जान रहा है, अल्लाह के रसूल भी जान रहे हैं, मगर हम ही नहीं जान रहे। हम तो कुरान पढ़ते हैं, वो भी झूठा गुनाहों के साथ, वो भी झूठा कुरान गुनाहों के साथ। आज तैयारी करें, सच्ची तौबा करें, हफाज हजार तौबा करें। अब क्या तैयारी होगी? पहले तौबा होगी, अब तौबा के बाद दूसरा काम करना है जो हमने, दूसरा काम सुनने जो हमने करना है, रमजान के लिए तैयारी हो रही है, इसको इतना तैयारी। दूसरा काम क्या करना है कि अपना बैलेंस पूरा करना है, क्या कि जितना हमने नमाजें कदा की उनको पूरा करना है, जितने रोजे हमारे रह गए, खासतौर पर औरतें खवातीन जो हैं उनके रोजे कज़े हो जाते हैं ना, उनके उज़्र जो होता है शरीर उज़्र की वजह से, तो वो क्या ढील करते 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 छोड़ देती हैं। तो उनको क्या चाहिए कि रमजान के आने से पहले पहले उसको अदा कर दें। आप जिनके ऊपर कर्ज, ये पिछले रमजान के रोजे कर्ज हैं, जिनकी ज़कात बाकी रह गई है वो फौरन उतार दें उसको। ये तैयारी हो रही है, किसमें हो रही है? रजब में शुरू होगी, सुभान अल्लाह, टालना नहीं, रजब में शुरू होगी। अल्लाह के नबी ने कहा अभी करो, वहां रखना, रजब में करनी है, तुम्हारी बरकतें लेनी है, शाबान में नहीं लेनी, बरकत लेनी है। जिसके नमाज कजा रह गई है वो पूरी करे, जिसकी ज़कात रह गई है वो पूरी करे, जिसके रोजे पूरे छोड़े हैं वो पूरा करे, और जिस किस्म की चीजें पूरी करनी चाहिए, फराइज वाजिबात पूरे, ठीक है सर? तौबा भी हो गई, ये भी पूरे हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। तैयारी हो रही है, किसी हो रही है? रमजान, रमजान में हम पहुंच रहे। उसके बाद इखलाकी गुनाह जाहिर है, उसमें सबसे बड़ा इखलाकी गुनाह सबसे बड़ा कौन सा है? सुला रहमी। सुला रहमी समझते हैं? ऐ मेरा मामा है जी, ये मेरा चाचा है, तो मेरा सोतर है जी, मेरे चाची का चाचा, तो मामे का मामा, ये फूफी का बेटा है, फूफी का, करते हैं ना सारे। ये बड़ी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों, ये इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर यहां रिलेशन खराब है आपका,
तो ऐसी रातों के अंदर गया, सबको बख्श दूंगा, इनको नहीं बख्शूंगा। हर गुनाह की अल्लाह कंसेशन दे रहे हैं, लेकिन सुला रहमी कंसेशन नहीं दे रहे। रिश्तेदारों से ताल्लुक हसबे मरातब, जिसके जितने करोड़ रिश्तेदार थे, मां बाप बहन भाई चाचे फूफी, ये चलते जाते ना इस तरह, जिस जिसके जैसे रिश्तेदार जाते बढ़ाते जाते हैं, उनके साथ वैसे ही सलूक करना जैसा कि शरीयत में आता है। जी जी, वो तो हमारे साथ तो बड़ी ज्यादती करते हैं जी, मुझे तो बहुत बुरा बुरा कहते हैं, फलां कहते हैं, तो उसका एक ही लफ्ज कह अल्लाह के नबी ने कि जो तुझसे तोड़े तो उससे जोड़े। हाय सुभान, क्या शान इस्लाम कि जो तुझसे तोड़े तो तू उससे जोड़े। ये तो आम आदमियों का फार्मूला है कि तुझे कोई गाली भी दे रहा है, तुझे बुरा भी कह रहा है, भला भी कह रहा है, बदतमीजी भी कर रहा है, लेकिन तुझसे प्यार ही करता रहे। तू ये क्या करने दे, तू अल्लाह जाने हो जाने, तू उसको बेचारे क्यों बुरा कहता है, उसको क्यों बुरी बुराई करते है, तू अपने दिल में मोहब्बत है, उसको माफ करता रहे, माफ करता रहे, माफ करता रहे। ये आम आदमी का है, याद रखिए, आम आदमी के कानून बताया जा रहा है। मेरी पुप्पी ने ये कहा, फलाने मेरे ये कहा, उसका कि तेरा काम ये है कि वो तुझे तोड़ है, तू उसको जोर तक चला जा। ये इतनी बड़ी इबादत है कि 10 साल भी आप तहज्जुद के अंदर लेटे रहे, लेकिन ये आप जो याद रखें कि अल्लाह मिलता किस चीज से, एक नुकता सुनते जाए, मिलता किससे, कदा फला मन जक्का, अल्लाह मिलता है नफ्स को कंट्रोल करने से, नमाज से नहीं मिलता, रोजे से नहीं मिलता, इबादत से नहीं मिलता, किससे मिलता है, नफ्स को कंट्रोल करने से। कद अफला हम कागज में दफ, नफ्स को, नफ्स को बर्बाद करने के बाद मिलता है कि अपने नफ्स को कुचल दे, कुचल दे उसको, जितना तू उसको कुचलेगा उतनी तो रब के करीब होता चला जाएगा, नफ्स से मिलता है। तो हमने ये देखना है कि अल्लाह सुभान व तआला ने हमें कौन सी इबादत दी है नफ्स को खत्म करने की, जिससे हमारा नफ्स मर रहा है। तो ये इतनी बड़ी इबादत होगी जब अपने आपको फना करेंगे, आपको वो आपको गाली दे रहा है और आप कहते हैं छोड़ यार क्या फायदा, मैं तुझे माफ करता हूं। मरता है नफ्स, नहीं मरता, बस वहीं रब मिलता है सुभान अल्लाह। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, तो ये मैं नहीं कर सकता जी, मैं मुझे बुरा कहता रहे, मुझे बुरा कहती रहे और मैं उसको माफ करता रहूं, ये तो नहीं हो सकता जी। वो तो और सर चढ़ जाएंगे तो फला हो जाएंगे, पर फिर रब भी नहीं उठता। याद रखें अल्लाह के पाने को एक तरीका नहीं है, एक सुनने नुकता, अल्लाह को पाने का एक तरीका नहीं है, सांसों से ज्यादा तरीके हैं। और एक बात और सुन लें कि वो तरीका खुद अल्लाह बताता है कि किस तरह तू फिर नफ्स को खत्म करेगा, वो अल्लाह खुद बताता है। तो जिसको अगर ये तरीका दे दिया नफ्स को खत्म करने का कि उसको ऐसे रिश्तेदार दे दिए, ऐसे दोस्त अहबाब दे दिए, ऐसे इंसान दे दिए कि जो उसको तंग करते हैं, तो समझ जाए कि ये अल्लाह ने मुझे तरीका दिया है कि मेरा नफ्स बर्बाद इस तरीके से होगा, मैंने अपने नफ्स को इसलिए बर्बाद करना है इस तरीके से कि किसी और चीज से बर्बाद नहीं होगा, तो अब मुझे अल्लाह ने ये तरीका दिया है तो अब मैं इसी चल के अल्लाह को पाऊंगा, मिट्टी हो जाए, फना हो जाए। सुभान अल्लाह, मैं जितनी नमाजें पढ़ लेता हूं, फला पढ़ लेता हूं, मैं सुला रही क्यों, नहीं बच्चा तेरे लिए अल्लाह ने तरीका ये रखा है कि तूने अपने रिश्तेदारों को राजी करना है, तेरा रब इस रास्ते से तुझे मिलेगा। जिस पे जो आजमाइश आ जाए ना, तो समझ जाए कि ये मेरा तरीका सेलेक्ट कर लिया अल्लाह ताला ने। किसी की आजमाइश बीवी से आ रही है, समझ जाए कि मुझे बस बीवी से इससे मेरा रब मिलना है, तो उसके कदम चाटना शुरू कर दे। किसकी खातिर? अपने रब के खातिर, अपने नफ्स को तबाह करने की खातिर। वो तुझे बुरा भला कह रही है, चाल रही है, लेकिन तू उसके हकूक अदा किए जा रहा है। सुभान अल्लाह, तू कामयाब हो गया, तूने अपने नफ्स को मार दिया। अल्लाह खुद सेलेक्ट करता है इंसान के लिए, बाजों को इबादत से मिलता है, वो अपनी रब से इबादत से मारते हैं, हम खुद सेलेक्ट नहीं कर सकते, कांट डू इट। याद रखिए, इस अल्लाह के सिलेक्शन को शेख जानता है कि इसके लिए क्या चीज सेलेक्ट किया गया है, मुस्तफ लगा जाता है, लगा देता है उसको, कहते छोड़ तो इबादत छोड़, तो ये काम कर, इसको राजी कर। वो कहते यार ये अजीब शेख है, शेख पे तो बड़े एतराज होते हैं ना, ये अजीब शेख है, उसको देखो कितने मजे करा रहा है, हमें कहते इसको जाकर तू राजी कर, वो मुझे गाली देते रहती है, मैं उसको राजी करूं, यार ये अजीब चीज है, मैं नमाजें पढ़ता हूं, नहीं, क्योंकि उसको पता चल गया कि कुर्ब को पाने का, अल्लाह को पाने का तरीका अल्लाह ने यह सेलेक्ट किया है इसके लिए।
हाय हाय कैसे नुकते हैं सुभान अल्लाह। समझ आई बात? हाँ, एक ही लाइन नहीं, एक अल्लाह यहां से मिलेगा। बाजू के लिए रिश्ता, जो चीज आपको चुभती है, जिससे आपका नफ्स फना होता है, समझो अल्लाह ने वो रास्ता दे दिया आपको। तो मेरे भाइयों, सुला रही बहुत बड़ी चीज है। अगर तुझे चुभती है ना चीज, इनको राजी कैसे करूं, तो समझ अल्लाह ने तुझे रास्ते यही दिया है। मिटा दे अपने आप, जूते खाओ उनके, झाड़ू दे उनके घर जाके, मिनते कर उनकी, किसके खातिर? अपने रब को पाने के लिए। सुभान अल्लाह। मिलेगा नहीं मिलेगा रब? मिलेगा। ऐसा मिलेगा कि धूत आ जाएगा तुझे, वाह कहते तहज्जुद में नहीं मिला मुझे इस आदमी के जूते खाने में मिल गया। मकसद तो मेरा अपने नफ्स को फना करना है, क्योंकि हम तो नफ्स को फना करना है। दीन समझ आ रहा है? दीन आपको ये है दीन। खानकाओं बैठो तो पता चले ना तुम्हें क्या होता है दीन। यहां जिक्रिया मस्जिद नहीं है, खान के नक्शबंदी है। इशा के बाद झंडे लग गए हैं बाहर, जिसको नाज है उसकी मर्जी नहीं। जैसे ही खत्म होती है ना नमाज, हमारा जिक्र होता है, फौरन फिर झंडे गाड़ते हैं, खान गए, नक्शबंदी है, मुजद्दी है, असफिया। किससे गए तुम? दरवाजे बंद होते हैं, बाकी सब लोग बिजली बुझी है, देखा आपने अभी किसी ने बिजली बुझाई है, सब भाग हो जाते हैं। झंडा लग गया ना असफिया, किस्सा जो अच्छा आदमी हो उसके साथ ताल्लुक रखा, वो खुद ही आ जाए, उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। फरिश्ते कहते हैं वेलकम वेलकम, तशरीफ लाइए आप, खुश आमदी, हम मुनासर तशरीफ लाए, उनके लिए दरवाजे खुलते चले जाते हैं। और वो भी बेचारे आराम से चलते हैं, उनका सफर का थकन होते हैं ना, सफर का पता होता है, वो ऐसे आते हैं जैसे अपने घर से निकल के मस्जिद जा रहे हैं। सुबह वैसे उनसे कभी सुबह उनकी बीवी कहना जय है कि बोटल में बड़ा गोश्त में तले, तो पागल हो गए, गोश्त में बोटल में जाओ आएंगे भैया कभी नहीं आएंगे। किसी वहां बड़ा अच्छा सालन में होता है, तो यार टेक अवे से जाए आप मेरे लिए, वहां से टेक अवे ले, पागल हो गए, बोटल में तेल लिया, वहां से टेक अवे ले जाऊं, तो जिक्र करने तो बड़े आराम से चले जाते हैं। सुबह कहते हैं जिक्र करने जाता है नहीं, बुलाया जाता हूं। यहां तू भेज रही है, कितना फर्क है? बोले सुभान अल्लाह। कितना फर्क है सफर में आपके ना, अब इतना आसान खुद भाग जा रहे हैं, वो इतना मुश्किल किया। बीवी कह रही है आपको, जाने मंद आपको कह रही है, जो आपको रोटी खिलाती है, प्यार करती है, छोड़ छोड़ इधर ही खा लेते हैं, टेक ये पागल हो गई। तो पता चलता है ये कि बातें कुछ और ही हैं, बुलाता कुछ और ही कोई बुलाते इस आदमी ना, पता नहीं कौन जो बुलाते हैं ऐसी जगहों पर। तो मेरे भाइयों सुला रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है, जो तोड़े उससे जो बस इस सुबह को याद रखो। हसब मुरातब से ताल्लुक सही रखें, कब से शुरू करने लगे काम, कब से? हाँ, ये दुआ मांगते बहुत हैं मौलाना, अल्लाह जी रमजान की दुआ, ये दुआएं नहीं है, ये अमलन बात होता है उनको। हम दुआएं मांगते हैं, दुआएं मांग रहे हैं इसकी मैसेज देखें, कितना फर्क हो गया इस दुआ में, समझ आई आपको? जमीन ना आसमान का फर्क हो गया। तो हम क्या समझ दुआ का ना जी, दुआ तो ये है, इंसान माशाल्लाह लजब में बिल्कुल जन्नती हो जाता है, आदमी जन्नती कर देता है अल्लाह ताला इंसान। कुरान उसको सही हो गया, तौबा उसने कर ली, गुना और तौबा, सुभान अल्लाह। रजब में जब से आज तौबा की, रजब के स्टार्ट में आज ही अल्लाह ने उसको पाक कर दिया बच्चों की तरह। है कोई तौबा करने वाला? फिर कहूंगा मैं करता हूं, गुनाहगार है ही कोई नहीं है, स्वयं मेरे में हाथ खड़ा कर लेता हूं। मुझे कोई गुनाहगार नहीं लगता माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात। मैं फरिश्तों में बैठा हूं इस वक्त, आज कैसे अच्छे फरिश्ते हैं मस्त। तो भाइयों रजब को ना जाने देना, रजब जिसका रजब गया उसका रमजान गया, याद रख लेना। सबसे पहले सच्ची तौबा, तौबा में फिर सारे बैलेंस बराबर करने हैं सारे हमने तौबा के बाद, उसके बाद माशाल्लाह सुलह रहमी की तरफ भागना है। जिस जो 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 इस आजमाइश में आया हुआ है, जिसको अल्लाह ने इस रास्ते में डाला हुआ है, बस चुप करके उसको तो समझ जाए कि मेरा तो रमजान भी यहीं से मिलना है, इसके जूते खाऊंगा तो रमजान मुझे मिलेगा, बस समझ जाए। तो बातें तो बहुत करने की, दिल भी कह रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि थोड़ा जिक्र करें इंशाल्लाह। और टू द पॉइंट हमने बात यही की है कि रमजान अल्लाह हमारा बेहतर कर दे, और हमारा बाबरकत कर दे रजब, बाकृत कर दे शाबान। अल्लाह ने यह बाब देखें टेस्ट रखा है अल्लाह ने, एक
एक टस्क है। यहां कह के एक तो हो रमजान में काम शुरू कर दो, एक और पॉइंट सुन ले आप बता दू। रजब में अल्लाह ने टेस्ट रखा है कि आज से शुरू कर दो काम, जिन्होंने शुरू कर दिया वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर शाबान में वो टेस्ट करता है अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह, पत्नी शाबान को फिर टेस्ट होगा उसका कि ये इसने काम किया या भी नहीं किया, एक और चांस देगा 15 दिन पहले रमजान से अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह। फिर उसके खाते खोलेगा 15 रमजान को शाबान को कि देखो मैंने जो मैसेज दिया था इन्होंने तैयारी कर ली है, तौबा कर ली है, बैलेंस बराबर हो गए, सुधार रहे की तरफ जा रहे हैं, फिर जाके इनकी जांच पड़ताल होगी 15 शाबान को, सुभान अल्लाह। जो वहां कामयाब होगा उसमें ठप्पा लग जाएगा इसका रमजान मिल गया इसको गुस्सा। हाथ से अपने कुरान से ही करें, अपने ईमान से ही करें, अपने यकीन से ही करें, अपने दिल से ही करें, दिल को सही करें, ये सब काम हमने करना शुरू कर देने जिस चीज के लाइन से हमने करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारे रमजान को, हमारे इसके रजब को बाबरकत करे, शाबान को बाबरकत करे, रमजान को हमारी जान बना दे पास के साथ। वाह खुदा ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। وسلم تسليما دائما ابدا كثيرا 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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا وزلنا وهزلنا وجدنا وحطنا وامدنا كل ذلك عندنا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب اللهم سمتنا للإيمان وأمتنا للإيمان وأشهدنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا داعي البلايات اطفئ بلاياتنا يا شافي الأمراض اشف مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا اله الا انت ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم دمرهما ومرهما يا سيدا يا الله ہمارے ماں باپ کو بخش دے یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے جن جن حضرات نے اپنے بیماروں کے دعا کے لیے کہ اللہ ان سب کو شفا کامل عاجل نصیب فرما ہمارے بریفر کے ساتھی ان کی والدہ کا پاکستان میں انتقال ہو گیا اسی طرح بولٹن کے ایک ساتھی ہیں ان کا والدہ کا ہندوستان میں انتقال ہو گیا اور جو ہمارے ساتھی جن کی مرحوم کے انتقال ہوا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت فردوس میں داخل فرمائے ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجاتوں کو بلند فرمائے
सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही नूर अर्शही ज़ीनत फर्शही वालिही वअस्हाबिही वअज़वाजिही।